अगर आपके पास एक स्प्लेंडर बाइक है और आप उसमें स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक लगवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किन किन चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज मैं आपको यह बताता हूं कि डिस्क ब्रेक किस लिए होती है। डिस्क ब्रेक, जब हम डिस्क ब्रेक दबाते हैं तो हमारी गाड़ी का जो डिस्क ब्रेक हाइड्रोलिक सिस्टम है, मतलब डिस्क ब्रेक एक हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम करती है, यानी कि डिस्क ब्रेक के अंदर आगे की तरफ एक डिस्क पैड लगे होते हैं दो, और एक लोहे की प्लेट लगी होती है, और वो लोहे की प्लेट जो दो डिस्क पैड होते हैं, ये मान लो ये डिस्क पैड हो गया, ये डिस्क पैड हो गया, और वो जो लोहे की प्लेट है वो ऐसे होती है, और ये इस तरीके से ऐसे पकड़ लेते हैं इसे, और ये पकड़ते कैसे, जब हम लीवर दबाते हैं उसका आगे का, तो इसमें एक ऑयल होता है, ऑयल होता है वो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक, जो सिस्टम होता है हाइड्रोलिक ऑयल होता है, वो ऑयल उसको प्रेस करता है और उसको ऐसे पंच कर देता है, एक पिस्टन काम करता है, प्रॉपर तरीके से पंच हो जाता है और आपकी गाड़ी का व्हील रुक जाता है, जिसमें हमें इमीडिएटली फंक्शनेशन काम मिलता है, जैसे कि मतलब हमने डिस्क ब्रेक दबाई, हल्की सी क्लिक करी, आपकी गाड़ी का व्हील वहीं उसी टाइम उसी वक्त रुक जाएगा। कंपनी वालों ने इस एक्सीडेंट होते थे इससे काफी ज्यादा, तो कंपनी वालों ने एबीएस सिस्टम निकाल दिया था, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में क्या होता है, वो भी डिस्क ब्रेक ही होती है, बट जब हम ब्रेक मारते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो डिस्क ब्रेक को हर एक सेकंड में छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। बाई चांस हमने ब्रेक मारी तो हमारी गाड़ी का व्हील जो है पहले रुकेगा, फिर छूटेगा, फिर रुकेगा, फिर छूटेगा, वो फोर्स को एकदम से कम करने की जगह ऐसे करके कम करेगा, धीरे 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 कम करेगा। इसको बोलते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, लॉक करना छोड़ना, लॉक करना छोड़ना, लॉक करना छोड़ना, इसको बोलते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपकी स्प्लेंडर गाड़ी के बारे में। अगर आपको स्प्लेंडर गाड़ी में आगे की तरफ डिस्क ब्रेक लगवानी है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा अपनी आगे की फोर्क को। अगर आपकी गाड़ी स्प्लेंडर है तो हम आपको कंपेयर करके बताते हैं कि आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको शायद पता होगा कि हीरो वालों ने पैशन प्रो के अंदर डिस्क ब्रेक निकाली हुई है, ये अच्छी तरह आप जानते हैं। अगर आप वहीं आप सीबीजेड एक्सट्रीम देखोगे तो उसमें भी डिस्क ब्रेक निकाली हुई है, बट आप कभी भी सीबीजेड एक्सट्रीम के फोर्क को यानी आगे के पूरे तामझाम को स्प्लेंडर गाड़ी के तामझाम में कन्वर्ट करने में ये असफलता महसूस होगी, और ज्यादातर कोशिश करोगे तो वो नाकामी मिलेगी। ठीक है, जुगाड़ टाइप का होगा वो। तो हमें क्या करना है, हमें पैशन प्रो गाड़ी जो है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, जो हमारी पैशन प्रो गाड़ी है उसमें पूरा का पूरा साबुत इंजन अगर देखोगे तो वो स्प्लेंडर का ही इंजन होता है, उसमें स्प्लेंडर का इंजन लगाया होता है। पैशन प्रो में आप इंजन स्प्लेंडर का डाल सकते हो और स्प्लेंडर का इंजन पैशन प्रो में डाल सकते हो बिना किसी चेंजेस के। ठीक है, अब मान के चलो आपकी गाड़ी डिस्क ब्रेक वाली नहीं है, नॉर्मल स्प्लेंडर वाली, स्प्लेंडर जो गाड़ी है वो नॉर्मल गाड़ी है और पैशन प्रो है डिस्क ब्रेक वाली, तो आगे पैशन प्रो गाड़ी का आप आगे के सोकर, ठीक है, आगे के सोकर, दोनों सोकर भी ले सकते हो, या फिर जिस साइड डिस्प्लेट होती है, हमारी डिस्प्लेट होती है, वो वाला भी सोकर ले सकते हो, क्योंकि आपको आपको अलाइबल जो होता है, आपको दिखाता हूं थोड़ा पास करके, उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा। हमारी गाड़ी है स्प्लेंडर, अब मान के चलो हमें इसमें डिस्क ब्रेक लगानी है, तो हमें इसमें क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेगी, बहुत ही आसानी से और इजी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें समझना होगा डिस्क ब्रेक का पहिया, ये जो एलोविल होता है, ये वाला एलोविल, ये ड्रम वाला एलोविल होता है, इसके अंदर ब्रेक शू काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पैशन प्रो गाड़ी का, पैशन प्रो का आगे वाला एलोविल यानी कि ये वाला जो व्हील है, इसको निकाल के हटा के पैशन प्रो का इसमें लगाना पड़ेगा। पैशन प्रो की ही डिस्प्लेट लगेगी इसके अंदर, पैशन प्रो का ही जो डिस्प्लेट लगेगा और पैशन प्रो का ही एलोविल लगेगा, ये दो चीज क्लियर हो गई। जब आप ये दो चीजें लगाओगे तो उस वक्त बात आती है सोकरों की, तो ये जो दोनों सोकर होते हैं ये एक्चुअली में पैशन प्रो के और स्प्लेंडर प्रो के सोकर दोनों सेम होते हैं, बट एक चीज का डिफरेंस होता है, जो पैशन प्रो का बॉटम होता है, ये बॉटम, इसको हम बॉटम बोलते हैं, ये सोकर रोड होती है, इसके नीचे जो पार्ट होता है ये होता है मतलब कौन, ये सोकर का बॉटम, इसको बॉटम बोलते हैं एल्यूमिनियम वाले पार्ट को। इस बॉटम के अंदर डिस्क ब्रेक वाली गाड़ी के अंदर यहाँ पर दो एक अलग से नक्के दिए होते हैं जिस पे हमारी डिस्क ब्रेक फिट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, आओ मेरे पास, ये देखिए गाड़ी है सीबीजेड एक्सट्रीम, देखिए ये है बॉटम। ठीक है, अब मान के चलो ये बॉटम जो है पैशन प्रो का है और हमारी स्प्लेंडर प्रो में हमें फिट करना है, तो पैशन प्रो का ये पूरा सॉकर निकाल के हमें स्प्लेंडर प्रो में ऐसे ही डाल देना है, एट इज इट, कुछ करना नहीं है, वो बिंदास किसी टेंशन के डलेगा। ठीक है, पैशन प्रो के अंदर आप ये वाली लो पूरी कंप्लीट सोकर डाल के अपनी गाड़ी में यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक असेंबली है इन दो बोल्टों के सहारे टाइट कर सकते हो, और जो एलोविल होता है उसके अंदर आप डिस्प्लेट लगा सकते हो ये वाली। अगर एक्सल की बात की जाए, ये वाला एक्सल, अगर आपको लगता है एक्सल आपको चेंज करना चाहिए, बड़ा हो रहा है, तो आप एक्सल भी चेंज कर सकते हो, पैशन प्रो का ही लगा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पैशन प्रो का पूरा फोर्क आप चेंज करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो पूरा फोर्क चेंज ना करके सिर्फ आगे के दोनों सोकर, सिर्फ अलॉयबल और ये डिस्प्लेट चेंज कर सकते हो और ये चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर लोअर टी की, इसको बोलते हैं लोअर टी। ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये लोअर टी होती है, पैशन प्रो की लोअर टी और स्प्लेंडर प्रो की लोअर टी दोनों की सेम होती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पर स्प्लेंडर में दो मॉडल हैं,
एक तो स्प्लेंडर ओल्ड वाला है और एक स्प्लेंडर न्यू वाला है। आपकी गाड़ी अगर स्प्लेंडर न्यू है तो ही उसकी लोवर्टी को देखें, क्योंकि स्प्लेंडर की लोवर्टी जो होती है, जो न्यू मॉडल वाली लोवर्टी है, वो बड़ी लोवर्टी होती है, उसकी मोटी कोन होती है, इसके अंदर कॉन्सेट लगते हैं, जो कि हम बोला जाता है मैं कि हम चार गोलियां लगा दो, कटोरियां लगा दो, इस तरीके की गोलियां होती हैं। तो ओल्ड वाली पैसन में क्या होता है, उसमें ये जो गोलियां होती हैं, जो कोन होती है, छोटी लगती है, और जो न्यू वाली पैसन है जिसमें पैसन प्रो बोलते हैं, उसमें जो है गोलियां बड़ी लगती हैं और कोन बड़ी लगती है, तो उसमें पैसन प्रो का ये तामझाम लग सकता है। ऐसे ही पैसन प्रो और पैसन प्लस में होता है, ठीक है। पैसन प्लस में आपकी गाड़ी में आपको पता ही होगा अच्छी तरह, पैसन प्लस के अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आई थी, अगर आई भी होगी तो उसमें जुगाड़ करा हुआ था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, और ठीक है, और उसके अंदर मोटी कोन होती है, ठीक है, बात समझ रहे हो आप। तो हमें क्या करना है, लोवर्टी को जब ही छेड़ना है जब हमें लगता है कि हाँ लोवर्टी में छेड़नी चाहिए। वैसे स्प्लेंडर की डिस्क ब्रेक फिट करने के लिए आपको इस लोवर्टी को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बिंदास बिना किसी टेंशन के आप फिट कर सकते हो, सिर्फ आगे के ये सोकर दोनों, ठीक है, और अलॉय व्हील, ठीक है, और अपनी गाड़ी का ये पूरा पैसन पे को डाल सकते हो तामझाम। अब यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, अब बात आती है इसके अंदर डिस्पैड की। देखो इस पे डिस्पैड और सीबीजेड एक्सट्रीम के, मतलब इसके डिस्पैड, सीबीजेड एक्सट्रीम के और पैसन प्रो के डिस्पैड, इन दोनों के ही डिस्पैड लगभग सेम होते हैं, आप चाहो तो दोनों के चेंज कर सकते हो, और ये पूरी कैलिपर जहां तक मुझे लगता है आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब अदल बदल सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर, देखो मैं आपको दिखाता हूं, मैं लोवर्टी चेंज करने के लिए क्यों बोल रहा हूं। ये लोवर्टी देखो यहां पर कोने में देख रहे हो, ये डिस्क ब्रेक का पाइप यहाँ पे टाइट होता है, ठीक है, जो स्प्लेंडर प्रो की लोवर्टी होगी ये वाली, उसमें ये छेद नहीं होगा, तो आप इसकी वजह से लोवर्टी को चेंज ना करें, इसके लिए एक जुगाड़ अलग से हो जाता है, नट बेल्डिंग हो जाता है, ठीक है, तो ये लोवर्टी पुरानी ही रहने दें। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी ऊपर मास्टर सिलेंडर की, इसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। अगर कभी भी किसी एक अच्छे बंदे मैकेनिक से पूछ रहे हो आप, तो इसका जो नाम होता है वो होता है मास्टर सिलेंडर। ये पूरा मास्टर सिलेंडर होता है, ये इसका लीवर होता है, और इसके अंदर जो तामझाम लगा होता है उसको बोलते हैं हम पिस्टन की रिपेयर किट, इसको पिस्टन रिपेयर भी किट भी बोलते हैं, और एक छोटी सी मेजर किट भी बोलते हैं। मेजर किट इतनी छोटी सी होती है, पिस्तौल की गोली जैसी मेजर किट भी होती है। अब ये पूरा का पूरा पैसन प्रो के अंदर आप सीबीजेड एक्सट्रीम यानी इसका भी डाल सकते हो। प्रॉपर पैसन प्रो की अगर बात की जाए, पूरी प्रॉपर पैसन प्रो की अगर बात की जाए, तो पैसन प्रो में ये ऊपर का तामझाम सारा सीबीजेड एक्सट्रीम का ही दिया होता है। स्प्लेंडर में अगर डिस्क ब्रेक लगाना चाह रहे हो तो उसमें आप पैसन प्रो का भी डाल सकते हो, सीबीजेड एक्सट्रीम का भी डाल सकते हो। बस आपको एक चीज का बहुत खास कर ध्यान देना है, कौन सा, अगर आपकी गाड़ी आपके पास सीबीजेड एक्सट्रीम पुरानी 10 साल पुरानी है, उसकी डिस्क ब्रेक निकाल के आप पैसन प्रो में ना लगा के स्प्लेंडर में लगाना चाहते हो, तो सिर्फ दो चीजें चेंज हो सकती हैं। पहला, ये ऊपर का पूरा तामझाम आप अपनी पैसन प्रो या स्प्लेंडर प्रो में लगा सकते हो, उसका जो पाइप होता है ये वाला हाइड्रोलिक पाइप, ये वाला लगा सकते हो, और नीचे का ये तामझाम ये वाला, ये भी लगा सकते हो बिना किसी टेंशन के, लग जाता है, जहां तक मैंने लगा के देखा है लग जाता है, बस थोड़ी बस मशक्कत करनी पड़ती है, लग जाता है पर, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी गाड़ी में कामयाब होगी या नहीं होगी, बता देता हूं मैं। काफी सारे ऐसे बंदे हैं जो पुराना सामान लाते हैं मार्केट से, जामा मस्जिद मार्केट से, तो जामा मस्जिद हो गया, गोकुलपुरी हो गया, मेरठ हो गया, दुनिया भर की ऐसी मार्केट है जहां पे मोटरसाइकिल का पुराना सामान मिलता है, ठीक है। देखो पुराना सामान मोटरसाइकिल का मिलता है आपको पता है, बट कभी आप पुराना सामान लेने जा रहे हो और आपको कोई बंदा सजेस्ट कर रहा है कि पुराना सामान आप ले आओ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा है, बट खराब है या सही है ये तो आपका ही डिसीजन बताएगा। पुरानी मार्केट में पुराना सामान ज़्यादातर खराब ही मिलता है, सही नहीं मिलता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप ज्ञानवर्धक हो इन सब चीज़ों में, तो आप एक अच्छा सामान ला सकते हो, आपको सस्ता मिल जाता है, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं पुराना सामान खराब मिलने के, ठीक है। अब एक कैसे चेक करोगे आप पुराना सामान जो ला रहे हो सही है गलत है, सबसे पहली चीज़ अलॉय व्हील। देखो अलॉय व्हील जो भी आपको पुरानी मार्केट में मिल रहे हैं उसकी अलॉय व्हील के अंदर वो टेढ़ापन होता है, अलाइनमेंट आउट होती है, और कुछ कुछ बैंड भी होते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पुराना अलॉय व्हील जो आप लेके आ रहे होते हो उसमें क्रैकनेस होती है, पर उसकी डेंटिंग पेंटिंग की वजह से वो क्रैकनेस आपको दिखाई नहीं देती और कुछ दिन चलने के बाद दिखाई देती है। पुरानी मार्केट से सामान ला रहे हो तो सिक्योरिटी नहीं होती, वापस होगा या नहीं होगा, दुकान का आता पता नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए समझना पड़ेगा आपको, थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप डिस्क ब्रेक अपनी गाड़ी में लगा रहे हो तो पुरानी मार्केट से पुराना सामान ला के ना लगाएं, उसमें आपका नुकसान होगा। डिस्क ब्रेक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी गाड़ी को आपको भगाएगी 40, 50, 60, 70, 80, 100, और जब आप वो जो ब्रेक आपने जुगाड़ पे लगाई हुई है वो ब्रेक जब आप मारोगे तो आपके मन में ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ मेरी गाड़ी रुक जाएगी, और जब आपने पुरानी सामान मार्केट से लिया है तो वहाँ पर वो भरोसेमंद वाली चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी सामान लेते हो, डलवाते हो गाड़ी में, तो ओरिजिनल हीरो की कंपनी से डलवाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें आपको लगता है वो स्क्रैप है तो उसका निकाल के आप डाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर तो आरसी पे भी हो सकता है आपको अथॉरिटी से जाके चेंज कराना पड़े कि भाई मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कराया है और मैंने इसके अंदर डिस्क ब्रेक फिट करवाई है। अगर आपको लगता है आप इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो और आप जाके चालान वालान भर दोगे, कोई ऐसी दिक्कत आएगी, तो आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। कहने का मतलब
मतलब एक है, जो चीज़ आरसी पे लिखी हुई है अगर वो चीज़ हकीकत में गाड़ी में नहीं है तो कल को ऐसा होता है सोचने में कि आपने किसी गाड़ी की निकाल के इसमें फिट करवाई है। तो इस चीज़ का बिल्कुल बिल्कुल सामान रखना है, पुराना ही सामान लगा गए तो किस चीज़ की जवाबदाही रहेगी आपकी, जो सामान आप अपनी गाड़ी में लगा रहे हो उसका बिल संभाल रखें ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो आप दिखा सके, हाँ भैया देखो ये रहा बिल और मैंने ये काम करवाया यहाँ से, ठीक है, या फिर आप आरसी पे चेंज करा लें। बाकी ये सब चीज़ें थी। हाँ, बात करते हैं खर्चे की। अगर जाओ जिससे गूगलपुर से कहीं से पुराना सामान ला के अपनी गाड़ी में फिट करते हो, डिस्क ब्रेक चालू करवाते हो, डिस्क ब्रेक का काम करवाते हो, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा 3-3.5 हज़ार में सारा ही सामान आपकी गाड़ी का आ जाएगा A to Z। बाकी ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी, जो मैंने जानकारी दी है वो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। काफ़ी सारे लोग स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेक फिट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग सीजेड एक्सट्रीम की डिस्क ब्रेक किसी और फिट करते हैं, बट किसी को नॉलेज नहीं होती और वो पता नहीं होता कि हाँ ये चीज़ यहाँ फिट होगी या नहीं होगी, कैसे फिट होगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मन में। तो ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई है मुझे बताना। बाकी थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।